हेलो वंस अगेन, वेलकम टू माय चैनल यानी कि जो कि एक रेलिस पे। और दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। और हाथ में मेरे है कोरापुट कॉफ़ी। अगर ये कोरापुट कॉफ़ी आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। आर्ट वेयर, येस ऑफकोर्स, बॉटनिकल गार्डन, एकाम्र कानन, भुवनेश्वर। तो दोस्तों एक नया आउटलेट खुल चुका है कोरापुट कॉफ़ी यानी कि प्राउडफुल कॉफ़ी ऑफ ओडिशा का। एक बहुत ही सुंदर सा आउटलेट है और ये खूबसूरत सा नज़ारा जो पीछे आप देख रहे हैं, इसी के चारों बीचों बीच आपको ये प्यारा सा कोरापुट कॉफ़ी ट्राई करने को मिलेगा। तो ऑन दिस नॉट, कोरापुट कॉफ़ी ट्राई करते करते मेरा याद आ गया कि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि बहुत जल्द कोरापुट सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों आज से शुरू करते हैं हमारा कोरापुट सीरीज़ और आपको मिलते हैं डायरेक्टली आठ कोरापुट। लेट्स गो। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है के हम खो ना जाएं कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी। जी हाँ दोस्तों, ये जो खूबसूरत सा नज़ारा आप देख रहे हैं ये केवल आपको रायगढ़ टू कोरापुट ट्रेन सफ़र में ही मिल सकता है। मैंने चूज़ किया था गाड़ी हीराखंड एक्सप्रेस जो कि है ट्रेन नंबर 18447 और यकीन माने ये मेरा बेस्ट चॉइस माना जा सकता है क्योंकि इतनी सुंदर व्यू तो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। क्या बोलते हैं आप लोग? तो अगर ये सारे व्यूज़ आपको बहुत ही अच्छे लग रहे हैं तो बता दूँ ये सिर्फ ट्रेलर है, कोरापुट अभी आना बाकी है मेरे दोस्त। कोरापुट एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1936 लाइज ऑन द सदर्न पार्ट ऑफ ओडिशा। इट्स द इनहैबिटेंट ऑफ मेनी ट्राइब्स, देयरफॉर आल्सो नोन एज द ट्राइबल बेल्ट और द ट्राइबल हार्ट ऑफ ओडिशा। मोर ओवर, बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटिफुल ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप डेकोरेटेड बाय फॉरेस्ट, वाटरफॉल, टेरस वैली, डर्टिंग स्प्रिंग एंड न्यूमरस नेचुरल हिल स्टेशन, इट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड एज द हेवन ऑफ ओडिशा। So if we consider Orissa as the best kept secret, then we have to consider Koraput as the best place to visit within the state. तो दोस्तों ये था हमारा ट्रेन का सफ़र, पर अगर आप कार से आना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। 12 घंटा आपको लगेगा कार का जर्नी। और साथ ही में अगर आप एयरपोर्ट अगर ढूंढने निकले तो नियरेस्ट एयरपोर्ट वुड बी विशाखापट्टनम एयरपोर्ट जो कि आपको 202 किलोमीटर की होगी और हमारे बिजूपटना एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से 494 किलोमीटर दूरी पर है। उम्मीद है कि ये सारी जानकारियाँ आपके सफ़र को आसान बनाएगी। तो चलिए हम आ पहुँचे हैं अब स्टेशन पर यानी कि कोरापुट स्टेशन पर और मैं बहुत ही खुश हूँ यहाँ पर आते ही, पर हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। चलिए आपको ले कर चलते हैं आप होटल की तरफ। होटल जो है मेरा वो है ये राज रेसिडेंसी और इसका फूड और स्टे रिव्यू मैं आप लोगों को अलग से ब्लॉग पे दिखा दूंगी। फिलहाल हम जल्दी से रेडी हो जाते हैं और निकलते हैं अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन के तरफ। एंड डेस्टिनेशन काफ़ी दूर है तो बीच में भूख लग रही थी और ब्रेकफास्ट के लिए मैंने सोचा क्यों ना गाड़ी रोका जाए। तो हमारे ड्राइवर भैया ने कहा ये फर्स्ट इंडिया रिजर्व बैटालियन कोरापुट है और यहाँ का डोसा काफ़ी यूनिक है और टेस्टी भी, तो यहाँ पे हम रुके थे। वेल, जब भैया ने यूनिक कहा तो मैंने सोचा क्या यूनिक है डोसा में, तो देखिए जैसे कि आप देख सकते हो कि ये डोसा के अंदर का स्टफिंग जो है इसमें उपमा गिरा है जो कि हमारे इस तरफ साइड का बिल्कुल भी नहीं है। उपमा वाला डोसा मैंने शायद ही फर्स्ट टाइम खाया और फर्स्ट टाइम देखा भी इनफैक्ट। तो 30 रुपया हम भरते हैं और चलते हैं, खाते हैं उपमा डोसा और देखते हैं टेस्ट कैसा है यहाँ पे। फर्स्ट इंडियन रिजर्व बैटालियन कोरापुट में हूँ मैं अभी और मैं खा रही हूँ एक बहुत ही स्पेशल डोसा जो कि है उपमा डोसा। जनरली हमारे उस तरफ ये मिलता नहीं है, इस तरफ ये फर्स्ट टाइम है कि मैं ऐसा कुछ खा रही हूँ। इसके साथ दो सब्जियाँ दे रहे हैं, एक मटर की सब्जी दे रहे हैं और एक नारियल की चटनी है। और टेस्ट काफ़ी अच्छा है, मैं खा चुकी हूँ ऑलरेडी वन बाइट, आपको दिखा भी देती हूँ कैसे है ये। अंदर का स्टफिंग बहुत ही सिंपल रखा गया है और इसमें थोड़ी थोड़ी सिवाइयाँ भी गिरी है, बहुत ही अच्छा टेस्ट दे रहा है, यहाँ आए तो ज़रूर ट्राई करें। चलिए दोस्तों खाना हो गया, अब निकलते हैं अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन जो कि खास भी है और ये है ओंकाई डेली मार्केट। ये मार्केट कोरापुट का बहुत ही फेमस मार्केट है और ये मार्केट आने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, इतनी एक्साइटेड थी कि मेरा जो फ्राइडे का प्लान था इसको मैंने थर्सडे पे प्लान किया क्योंकि मैं आना चाहती थी ये मार्केट को। एंड ये मार्केट सिर्फ थर्सडे ही खुला रहता है तो आप अगर प्लान कर रहे हैं तो थर्सडे ज़रूर इंक्लूड करें अपने शेड्यूल में, वो बहुत ही बेस्ट होगा। वेल, ये मार्केट क्यों इतना खास है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये ओनली प्लेस है जहाँ आपको बोंडा ट्राइब देखने को मिलेगी।
और ये मार्केट ऐसे ही बहुत पॉपुलर है बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स इकट्ठा होते हैं एंड दैट टू यहाँ बहुत सारे ट्राइबल थिंग्स भी आपको ख़रीदने के लिए और देखने के लिए मिल जाएगी। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। चलिए आप भी मेरे साथ एक्सप्लोर करें एंड देखते हैं क्या क्या हमें यहाँ यूनिक दिखता है, क्या अलग दिखता है हमारे नॉर्मल मार्केट से। साथ ही आई होप कि मुझे आज गोंडा ट्राइब देखने को मिल जाए। तो दोस्तों इसके साथ एक छोटा सा और भी आपको पॉइंट बताना चाहूँगी कि ज़्यादा देर ना करें अगर आप कोरापुट में हैं, थर्सडे ये मार्केट अटेंड करना चाहते हैं तो आपको गोंडा ट्राइब देखने के लिए एटलीस्ट 10:30 से 12:30 के बीचों बीच यहाँ रहना होगा, अदरवाइज दे वुड हैव लेफ्ट आफ्टर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। तो चलिए अभी मार्केट घूमते हैं और मार्केट में देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। तो स्टार्टिंग में ही मुझे ये स्नैक्स देखने को मिली जिसे कि उड़ीसा में मुआ कहा जाता है और ये एक पफ्ड राइस बॉल्स है जिसमें जैगरी का इस्तेमाल किया जाता है टू बाइंड इट। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर आप उड़ीसा आते हैं तो इसे ट्राई करने के लिए। तो यहाँ पे ये दिख गया, काफ़ी दिन हो गए थे नहीं खाया था तो सोचा कि इसको ही ले लेते हैं और इसे खाते खाते घूमते हैं। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रेश वेजिटेबल्स मिल रहे हैं तो ये लोकली लोगों के लिए है। वीकली वन टाइम ये मार्केट लगता है तो ये ऑलरेडी इस तरह के पाउच वगैरह बनाकर सोल करते हैं, पहले से ही रेडी होकर आते हैं क्योंकि उनको पता है कि वीकली वन है और ये बहुत ही बड़ा मार्केट है। तो ये सारे जो है ड्राइड फिश है। मैंने पूछा किसी से यहाँ पे कि ड्राई फिश इतना क्यों सेल हो रहा है तो उन्होंने कहा था कि ये प्रिजर्व करके रखने के लिए बहुत ही आसान होता है क्योंकि वीकली वन टाइम होता है तो फिर जाके नेक्स्ट वीक में मिलता है तो इसीलिए ये लोग फिश को ड्राइड करके रखते हैं ताकि इसे काफ़ी दिनों तक खा पाएँ। बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी सारे वैरायटीज़ देखने को और जानने को मिली, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पे आना। एंड इसके साथ साथ ये देखिए, ये जो है आपको दिख रहा है ये है शक्करकंद या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं कास्बा। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी और बहुत ही अच्छी फ्रेश मिल रही थी तो अगर यहाँ पर आते हैं तो ये ड्राइड फिश या कास्बा ज़रूर लें, बहुत ही अच्छी है। तो चलिए आगे और देखते हैं क्या मिलता है। तो काफ़ी घूमने के बाद एक दुकान पर आकर मेरी नज़र टिकी तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट मिल रहा था और वो है ये बैम्बू सूट जिसे कि यहाँ पे करड़ी बोलते हैं, बहुत ही अच्छा था ये। इसका भी बहुत सारे डिशेस बनते हैं वेस्टर्न साइड में तो ये भी काफ़ी पॉपुलर वेजिटेबल है तो इसे भी आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल रहा था। प्राइस से याद गिरा कि यहाँ पे सब कुछ काफ़ी सस्ते थे, सारे फूड हो या फिर क्लोथेस हो या फिर वेजिटेबल्स हो, सब कुछ लगभग 10 रुपये से शुरू करके 100 रुपये के अराउंड ही थे, बहुत ही अफोर्डेबल था। एंड ये एक पेंडल है जहाँ पे ऐसे सब कुछ मिल रहा था तो ये जो है सारी नेसेसरी थिंग्स लोगों का यहाँ पे मिलता है। ऐसे वीकली एक मार्केट गिरती है और ये सारी चीज़ें मिलते हैं। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ का एक्सपीरियंस, ट्राइबल पीपल के अराउंड अपने आप को पाना और शॉपिंग करना एक अलग ही एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा था। अब तो मैंने आपको पूरी मार्केट घूमकर दिखा दिया है, उम्मीद है कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं हम फोटो सेक्शन की तरफ जो कि हमको करनी है गोंडा ट्राइब एंड दुर्वा ट्राइब के साथ। बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलकर और कुछ फ़ोटोज़ भी मैंने क्लिक किए हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ इस उम्मीद में कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएँ। फिर मिलूँगी आपको एक नई जगह पर कोरापुट का कुछ नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, वंदे उत्कल जननी। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी चैनल अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।